मैरीन चैनल में वेलकम। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। मेरे पास 2 किलो गाजरें हैं, 1 पाव चीनी है, 1 पाव दूध, थोड़ी सी हरी इलायची है, घी है 1 प्याली, खोया 1 प्याली, काजू हैं, बादाम और अखरोट हैं। ये चारों आइटम्स हम एंड में डालेंगे। अभी हम बनाते हैं अपना गाजर का हलवा और मैं बना रही हूँ कुकर में। आज मैं बना रही हूँ कुकर में गाजर का हलवा। गाजर को बग़ैर कद्दूकश किए गाजरें आप डाल दें कुकर में। अब इसमें हम दूध ऐड कर, 1 पाव जो दूध है ये ऐड कर दिया है, शक्कर ऐड कर देंगे, हरी इलायची ऐड कर देंगे और हम इसमें घी ऐड कर देंगे। चीज़ें हमने डाल दी हैं इसमें। अब हम 10 मिनट के लिए कुकर अपना बंद कर देंगे वेट लगा के। वेट लगा देंगे, आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे, फिर इसकी भुनाई होगी। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और 5 मिनट के बाद जब हमारी इसकी स्टीम निकल जाएगी तो फिर हम इसका वेट हटाएंगे। इसका हम वेट हटाएंगे, इसके बाद हम खोल के देखेंगे। इसका दूध खुश हो गया है, गाजरें गल चुकी हैं। अब हम इसे बड़ी देगची में डाल के फिर इसकी भुनाई करेंगे। जैसा कि आपने देखा है ये देगची में हमने डाल दिया है सारा, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो हम इसकी भुनाई करेंगे और जो हमारे पास खोया है वो हम आधा इसमें डाल के और इसकी भुनाई करेंगे। जब हम ये भुनेंगे इसको हम इस तरह तरीके से थोड़ा मैश भी करते रहेंगे, क्योंकि हमने कद्दूकस नहीं की थी गाजर, हमने इसके कटिंग करके पीसेस कुकर में हमने डाल के चढ़ा दिए, इसलिए हम इसको भूनते हुए थोड़ा सा इस तरह मैश थोड़ा सा कर देंगे। और फिर इसकी अच्छी सी तकरीबन 15 से 20 मिनट इसकी भुनाई होगी और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ऑलमोस्ट भुनने वाले, देखिए आप हमारा हलवा ऑलमोस्ट भुनने वाला है तकरीबन, और अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा खाना चाहते हैं, तेज़ मीठा पसंद करते हैं, तो आप लोग चीनी और ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल मीठा खाते हैं तो मैंने नॉर्मल चीनी डाल दी है इसमें। हलवा भुन चुका है हमारा और ये थोड़ा सा ये छोड़ दिया हलवा ने। अब हम इस घी में ये अपने बादाम, काजू और ये हमारे पास अखरोट हैं, इनको हम रोस्ट करेंगे। इन्हें थोड़ा सा रोस्ट करके, ये रोस्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें मिक्स कर देंगे और फिर हम अपना गाजर का हलवा डिश आउट करेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं, वीडियो में आपको नज़र आ रहा है ये रोस्ट हुए अच्छी तरह। अब हम इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। गाजर का हलवा हमारा रेडी हो चुका है, अब हम डिश आउट करेंगे। अब हम इसके ऊपर खोया डालेंगे जो हमने रोट लिया था, थोड़ा सा थोड़ा खोया हमने भुनाई के वक्त डाला था गाजर का हलवा भूनते हुए, बाकी खोया इसमें ऐड कर देंगे। बादाम डाल देंगे, अखरोट डाल देंगे और काजू डाल देंगे। गाजर का हलवा हमारा रेडी है, डिश आउट हो चुका है, आपके सामने है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा।
रेसिपी है। गाजर का हलवा हमारा डिश आउट हो चुका है। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है गाजर के हलवे की, और आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।